शाहरुख भाई बहुत प्यारे इंसान है हमारे, एक बार कहने पे डॉक्टर बन गए। हाँ। और किसी आप रूप में शाहरुख भाई को देखना चाहते हैं? शर्मा जी अच्छा हाथ ऐसे खड़ा कीजिए, शकीरा की एंट्री हो रही है तो क्या कर रही है? मैं शाहरुख सर को लॉयर के रूप में देखना चाहती हूँ। ओके बड़ी फरमाइशें करती है अभी। कोई एटलीस्ट पूरी तो करता है। थैंक यू सर। मैं चाहती हूँ आप मेरी तरफ से बिट्टू शर्मा के खिलाफ केस लड़ें। ठीक है बिल्कुल लड़ूंगा, लेकिन केस क्या है? ये अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, मतलब मुझसे प्यार नहीं करते। मैं समझा इनकी और भी पत्नी है। बिट्टू शर्मा तुम पर केस ये दर्ज हुआ है कि तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हो। क्यों प्यार नहीं करते हो अपनी पत्नी से? भाई ये देखो, ये आपकी होती आप करते। मैं इसको झांसा देके फंसा रहा हूं। मेरा निकलता नहीं रोमांस। क्यों क्यों नहीं निकलता तुम्हारा रोमांस? अब देखो दीपिका को देखते हो तो ऐसे हाथ फैलते हैं, इसको देखो होंठ इतने फैले हुए हैं क्या? देखिए शर्मा जी आप मेरे होंठों को बीच में ना लाए तो बेटर होगा। मैं होंठ कहां बीच में लाना है तेरे होंठों के बीच में, तो दांत ही नहीं पूरे आ रहे। मैं कहां तो जी साहब आप कुछ आई एम सॉरी, मैं एंजॉय करने लग गया था इस बात को। हम में से किसी भी हस्बैंड की हिम्मत नहीं होती अपनी बीवी से ऐसा बात करे, तो मैं इसलिए एंजॉय करने लग गया था, बड़ा खुश हो गया। ऐसे ना लविंग मछली लग रही थी। आई लाइक किसी चीनी बच्चे के गुदगुदी करता ना। बट तुम्हारी सजा ये है, मैं तुम्हारे को सजा दे रहा हूं, तुम्हारी सजा ये है कि तुम जिंदगी भर अपना जीवन इसी के साथ व्यतीत करोगे, इसी के साथ रहोगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी सजा। जाओ अभी ऐसी क्या कर रही है? बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये गाउन दे भाई इनको। गाउन वापस मैंने कहाँ से उठा के लाए? वो पापा से लिया। पापा कौन सा खरीद के लाए होंगे? वो भी लेके जाओ, डॉक्टर वाला भी लेके जाओ। अच्छा हाँ, और भी कोई काम करवाना है तो करवा लो। भैया को बोला जैकेट दो। चलो भैया तुम्हारे भैया होंगे, मेरे क्यों है? नया साल आ गया मेरे घर में, वो भी पुराना कैलेंडर पड़ा रहा है। शर्मा जी अबे यार, इतनी अच्छी बातें हो रही थी लोगों के साथ। साल बदल जाता है लेकिन तुम नहीं बदलते, घूम फिर के वही कैलेंडर कैलकुलेटर की बातें करते रहते हो। अरे त्योहार का दिन है, कुछ तो ढंग का बोल दो। बात तेरी ठीक है, चल प्रॉमिस आज से झगड़ा नहीं करेंगे ना। तू मेरे खानदान के बारे में कुछ बोलेगी और मैं तो वैसे तेरे गंदे खानदान के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। प्रॉमिस। सच में बेबी? हाँ। स्वीट, मतलब आप इतनी जल्दी मेरी बात मान गए। हाँ तो फिर आप नए साल में मुझे क्या गिफ्ट दोगे? अभी तो कह रही थी लड़ाई झगड़े वाली बातें नहीं करनी, अभी तो गिफ्ट मांग रही है। क्यों? अरे आपने तो मुझे क्रिसमस में भी कुछ नहीं दिया। क्रिसमस? अच्छा तू बड़ी मार्गरेटा गोंसाल्विस है, तुझे मैं क्रिसमस में गिफ्ट दूं है? अरे नया साल है, कुछ तो अच्छा गिफ्ट दो, जैसे डायमंड रिंग नेकलेस। नया साल आया, तेरे पिताजी का मनी ऑर्डर नहीं आया? डायमंड नेकलेस दूं मैं तुम्हें। देखिए शर्मा जी, शादी से लेके आज तक आपने मुझे एक तोहफा नहीं दिया है। मैं तो जब से इस घर में आई हूँ मैं तो भूल ही चुकी हूँ कि शॉपिंग कैसे करते हैं। इनके पिताजी ने मुझे ट्रेन करके भेजा शॉपिंग करने के लिए। आपको पता है इनको मेरे घर में आके पता चला शॉपिंग किसको बोलते हैं? ये पहले मॉर्निंग वॉक को शॉपिंग बोलते थे। मैं जब भी जाता था इनके घर में, पापा कहा है अरे शॉपिंग करने गए। मैंने कहा ये कौन सी शॉपिंग है, जाता भी खाली हाथ आता भी खाली हाथ। देखिए पापा हमें रोज मॉल ले जाते थे, वो जब से इनको पता चला ना कि मॉल में बाथरूम के पैसे नहीं लगते। नहीं तो आप खुद सोचो, मॉल में शॉपिंग करने दो टाइम कौन जाता है सुबह शाम? देखिए शर्मा जी हमारे घर में बाथरूम था और भगवान की दया से इतना अच्छा बाथरूम कि आप अंदर बैठे हो, बारिश हो रही फिर भीग सकते हो आप। क्योंकि उसकी छत ही नहीं थी बाथरूम की। एक सेकंड, छत पापा कैसे लगाएंगे अगर दीवार नहीं थी तो? मैं फिर भी ढक रहा था, ये खुल के सामने आ गई। देखिए शर्मा जी अगर आपको गिफ्ट नहीं देना है तो आप मत दीजिए, लेकिन पापा के बाद में उल्टा सीधा मत बोलिए। ओके पापा मेरे सांता क्लॉस है, हर क्रिसमस में मुझे गिफ्ट देते हैं। हर साल गिफ्ट देते हैं और अगले साल के गिफ्ट की तैयारी में लग जाते हैं। 18 गिफ्ट घूम रहे हैं मेरे घर में।
उनको समझाओ, ये उनके दामाद का घर है, ये गिफ्ट शॉप नहीं है। देखिए शर्मा जी, मैं सिर्फ आपको इतना बताने आई थी कि एक बहुत ही खतरनाक डाकू नटवर सिंह। डाकू खतरनाक ही होते हैं, लवेबल डाकू देखा कभी कोई? बड़ा प्यारा भूंसा डाकू आ रहा है क्या? मेरी बात सुन लीजिए आप। हाँ? मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ। डाकू नटवर सिंह ने बैंक से 50 लाख की चोरी की और वो हमारे इलाके में घूम रहा है। सो जस्ट बी केयरफुल। बी केयरफुल नहीं, सी से केयरफुल होता है, मैंने फ्रेंच पढ़ी है। बी केयरफुल। वाह, क्या हो रहा है? अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। हा? लेडीज फर्स्ट, इनको गोली मारो आप। क्या? नहीं नहीं, आप मुझे कैसे गोली मार सकते हैं? आप मुझे गोली मार देंगे तो मेरे पति का ख्याल कौन रखेगा? आप अभी नहीं गोली मार दीजिए। लोग जाओ, लोग जाओ। रुके तो हुए यार, कहीं भाग रहे हम लोग। विश्वास भी कोई चीज होती है। ये ठीक है, बंदूक में गोलियां भी थे हैं और यहाँ पर लोग भी थे, बड़ा मजा आएगा। ये गोलियां आपने हम पे चला दी, तो अगर आपको जरूरत पड़ी, कल को कोई मिल जाता है, भगवान ना करे आपको को गलत आदमी मिल जाए, आप भाई साहब क्या करेंगे? ये भी ठीक है, तो एक काम करते हैं। हाँ। मैं लेडीज पे गोली नहीं तलाऊंगा। अच्छा, अच्छा फिर ठीक है, क्योंकि मैं भी शो में कभी कभी लेडीज बनता हूँ, तो आप उसको भी बनी हुई हूँ और मैं तो हुई ओरिजिनल। और मेरे को भी सुबह से फीलिंग आ रही है अपना नाम सुमन रख लूं। ठीक है, वैसे इस पे तो मैं अपनी गोली वेस्ट करने नहीं वाला। चल बते यहां पर सिर्फ दो मर्द, एक तुम और एक तुम। मेरे हाथ में बंदूक है, बंदूक। शर्मा जी, इश्क खता है अगर तो सजा दो मुझे। वाह 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 वाह, ये डायलॉग दीपिका ने बोला, उसको किसी ने सजा नहीं दी। इसने कुछ भी नहीं किया, इसको फिर भी जेब कतरी का चार्ज लगा के ना तो अंदर करवाने का दिल करता है मेरे को। देखा प्रियंका, मैंने कहा था ना, मैं कुछ भी बन जाऊं ये आदमी नहीं सुधरने वाला। प्रियंका, ऐसा क्यों किया तुमने? अरे यार, मैंने सोचा कि दीपिका के बहाने चलो अभी तुम्हें इससे थोड़ा रोमांस वोमांस हो जाएगा। इतनी बुरी तरह ट्रीट करते हो तुम एक दोस्त को। इनको मतलब आप ऐसी कॉस्ट्यूम पहना दोगे तो मेरे को दीपिका लगेगी। अच्छा, भुट्टे को आप कोन में डाल दोगे तो सॉफ्टी बन जाएगी क्या? ऐसे थोड़ी होता है, सारा आप फीलिंग खराब कर दी मेरी यार। तुम कभी नहीं सुधरने वाले, मैं कुछ भी कर लूं तुम्हारे लिए, है ना? जब तक तुम्हारा मुंह नहीं सुधरेगा ना, मैं भी नहीं सुधरूंगा। देखो मस्तानी बन के आई, बन के भी उस दिन आई जिस दिन सामने प्रियंका है। तो लौकी की सब्जी खाने से अच्छा आदमी काजू कतली को दूर से देखता रहे, एंजॉय करे। ऐसी मस्तानी होती ना, बाजीराव खुद ही अपनी जांघ पे तीर मार लेता। देखिए आप शर्मा जी, ऐसी बातें मत कीजिए, ओके? मैं भी राजपूतों के खानदान से हूँ। कौन से राजपूत, कब आए? तुम्हारे पिताजी के 18 पूत ही देखे, राज अपने मन से लगा लिया तुमने। टोपी की इमरती रखी हुई तूने। नहीं बना प्रियंका, आप देख लो ना ये क्या हो रहा है मेरे साथ। देख रही हूं, मैं देख। तो कुछ नया हो रहा है? Happening from last 3 years. Yeah, I know. I'm tolerating this intolerance since the last 3 years. I know that. बड़ी यो-यो हनी सिंह intolerance बनी। Shut up. यो-यो बन रही है अपनी तरफ से। प्रियंका, आप मेरी मदद करो। आप मुझे हॉलीवुड में एक रोल दिलवा दो ताकि एटलीस्ट ये इंसान मेरी काबिलियत को समझे तो थोड़ा। घुमा फिर आके ना बोल, मेरी मदद करो, पैसे चाहिए इसको। पैसे? रोल मांगा मैंने। अरे उस दिन शाहरुख आया तो उसको कहती, हाय शाहरुख, ग्रेट फैन ऑफ योर्स, कैन वी हैव 200 रुपीज प्लीज। ये सब करती है ये, मैं तो बताता नहीं किसी को। हॉलीवुड जाना है, ब्रैड पिट को पित्त की बीमारी हो जाएगी अगर देख लिया तो। शर्मा जी बस, मुझे आपको और इंप्रेस नहीं करना है, मुझे आपसे बात नहीं करनी, बाय। तो मैं तो मरा जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। बाहर में जाओ।